वाटरफॉल मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ। जगह की हिस्ट्री मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको घुमाने वाले हैं चैडविक वाटरफॉल, जो काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, ये जो वाटरफॉल का नेचुरल जो साउंड है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये पूरे एरिया ही बहुत खूबसूरत है, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू आर रेगुलर व्यूअर्स, जो हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं, वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं। एंड थैंक्स टू मिस जैनब फ्रॉम दिल्ली, जो हमारी रेगुलर व्यूअर है हमारे ब्लॉग्स की। दिल्ली में होते हुए भी हमारे हिमाचल के ब्लॉग्स को इतना रेगुलरली वॉच करती हैं, लाइक करती हैं और कमेंट्स भी करती हैं। थैंक यू जैनब, हाउ आर यू। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम इस जगह पे पहुँचे कैसे हैं, शिमला से डिस्टेंस आने में टाइम कितना और वगैरह वगैरह, तो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। दोस्तों, ये सफ़र हमने शुरू किया है शिमला मेन से, विक्की टनल से। हम लोग ये दिखा रहे हैं आपको ये ट्रैवल कि कैसे हम लोग जाएंगे चैडविक वाटरफॉल्स। यहाँ से शिमला मेन से हमें लगभग पड़ने वाला है 7 to 8 kilometers चैडविक वाटरफॉल्स। जैसे यहाँ से हमें हाफ किलोमीटर अहेड हमें आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, उससे 1 kilometer आगे ही आएगा लगभग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जिसे प्रेसिडेंट हाउस या वाइस लीगल लॉज भी कहा जाता है फॉर्मरली। और उससे 1 kilometer आगे हमें मिलेगा समर हिल। समर हिल से 4 kilometer आगे हमें जाना है, और साथ ही में 600 meters हाफ किलोमीटर का एक ट्रैक है, जस्ट 10 minutes का वॉक है, वो हम लोग वहाँ पर पूरा करेंगे। तो आप बने रहेंगे और आपको मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता चलूँगा कि शिमला मेन से अगर आपको जाना हो चैडविक वाटरफॉल्स तो आप कैसे जाएंगे। यहाँ से हमें ये राइट लेना है और राइट लेके हम लेजिस्लेटिव असेंबली जाकर और यहाँ से हम आगे की ओर क्रॉस करेंगे। तो ये रहा रास्ता विधानसभा वाला, ये विधानसभा के चौक से हमें यहाँ से लेफ्ट वाला रास्ते को आगे लेके बढ़ते जाना है यहाँ से। सेसिल होटल के पास से भी हमें ये लेफ्ट का रास्ता हम लेंगे और यहाँ से चाहे तो आप राइट भी ले सकते हैं। दोनों ही रास्ते जाके आगे मिलेंगे प्रेसिडेंट हाउस के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो मैंने ये स्ट्रेट रखा है यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट साइड में सर्किट हाउस है, परिधि गृह शिमला। यहाँ से हम लोग ये राइट लेंगे और जस्ट हाफ किलोमीटर आगे हमें मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। दोस्तों, आगे अभी हम पहुंच गए यहाँ पे हिमालयन बर्ड पार्क, राइट साइड में सामने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, और लेफ्ट साइड से जो रास्ता जाता है ये जाता है बालूगंज के लिए। तो हमने यहाँ से बीच का रास्ता लिया है राइट साइड वाला, और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में अभी हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हमें 1 kilometer आगे जाना है समर हिल के लिए। यहाँ ये समर हिल सामने चौक दिख रहा है, तो यहाँ से अब हमें सीधा नहीं जाके ये राइट साइड का रास्ता लेंगे चैडविक वाटरफॉल के लिए। ये वाला रास्ता लिया हमने समर हिल के चौक के जस्ट साथ में, जस्ट नीचे को एक रास्ता जाता है। दोस्तों, ये समर हिल से हम निकल गए हैं और यहाँ से 2 kilometers का रास्ता है ये। गूगल मैप में 2 kilometers दिखा रहा है, वैसे 4 kilometers पहले बता रहा था ये वेबसाइट्स एंड ऑल पे। तो एग्जैक्टली अब हम वहाँ पहुँचेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितनी है वहाँ की। दोस्तों, ये जो रास्ते हैं समहिल के आगे थोड़े काफ़ी नैरो रोड है एंड इट इज़ जस्ट सिंगल रोड, तो एक गाड़ी ही इस पे चल पा रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस रास्ते पे काफ़ी कर्व्स हैं, मोड़ हैं। तो यहाँ से हमें राइट मुड़ना है थोड़ा सा आगे आने के बाद। तो रास्ते काफ़ी कर्वी हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्व हैं और पतले भी हैं और स्टीप भी है, चढ़ाई भी है, उतराई भी है, तो हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो होटल चैडविक व्यू दिख रहा है हमें यहाँ से, इसी के एरो के साइड में हमें जाना है। तो यहाँ से हमें सीधे ही रखना है यू टर्न लेने के बाद, जो पीछे में यू टर्न लिया था वहाँ से।
यहाँ पे सामने दिख रहा है होटल चैडविक व्यू, ये देखिए लिखा हुआ भी है वाइट से और राइट एरो बना हुआ है। यहाँ से हम लोग ये उसी डायरेक्शन में आगे चलते हुए नीचे उतरते हुए अभी फिलहाल तो व्यूवर्स लोकल लोगों से और गूगल की हेल्प से हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं फाइनली। और यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं और पहचान के लिए एक स्कूल है राजकीय उच्च पाठशाला सनहोग उपरला, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करके और यहाँ से कोई कच्चा रास्ता है वहाँ से होते हुए थोड़ी से सुनसान रास्तों से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है बट वी आर वेरी एक्साइटेड। लगभग 10-15 मिनट्स का वॉक होगा ये, अभी हम यहाँ से वॉकिंग शुरू करेंगे, काम एंड सीरीन वॉक। कार पार्क करने के बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगे हैं और ये सामने एक बोर्ड भी दिख रहा है चैडविक फॉल्स 600 मीटर, इस साइड को एरो है इधर। वाह कितनी खूबसूरत ये रास्ते हैं और ग्रीनरी भी है साइड में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे बर्ड की चर्पिंग की आवाज़ और जो झिंगूर होते हैं उनकी आवाज़, इनफैक्ट हमें वाटरफॉल की भी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्साइटमेंट है वो और ऊपर तक बढ़ते जा रहे हैं, हाई लेवल पे हो गया है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ भी पहुँच कर। चैडविक फॉल वॉकिंग डिस्टेंस 600 मीटर, इस रास्ते से वॉक करना है नीचे की ओर। ये रास्ते हैं, ये बहुत ही पतला रास्ता है पगडंडी की तरह, तो बहुत संभल के आने की ज़रूरत है, तो आप ही ध्यान रखें। वैसे वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखना है राइट साइड के, क्योंकि अगर गिर जाएंगे तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस साइड तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें। दोस्तों वो रहा वाटरफॉल, हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली 10 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद। और ये देखिए यहाँ पे ये शेल्टर भी बना हुआ है लेकिन यहाँ पे काफ़ी गंदगी फैली हुई है प्लास्टिक बॉटल्स की, तो वो हमें ध्यान रखना है कि हम आए तो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। अब देखिए यहाँ पे इतने काम एंड सीरीन जगह पे भी कि कैसे प्लास्टिक के बॉटल और रैपर्स चिप्स के ब्रेड के पड़े हुए हैं, तो वो हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग झरने के पास पहुंच चुके हैं और ये झरना है 100 मीटर्स हाई से वाटर स्ट्रीम आ रही है, ये 100 मीटर्स ऑलमोस्ट, और फिर ये पानी यहाँ से आके यहाँ से नीचे की ओर निकल जा रही है। वहाँ सामने एक बोर्ड भी है, वो देखते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इस जगह की हिस्ट्री लिखी हुई है चैडविक फॉल और इसका नाम कैसे पड़ा तो आपको हम पूरा बताएंगे। ये दोस्तों ये देखिए ये वाटरफॉल मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शांति है, आपको दिख रहा होगा कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वैसे अगर शिमला आए तो आप एक बार यहाँ पे घूमने आ सकते हैं और बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ग्रुप में आना ही रिकमेंडेड है। फ्रेंड्स फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और यहां पहुंच के काफ़ी सुकून लग रहा है और हमारे पीछे है ये चैडविक वाटरफॉल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये और काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट प्लेस है। यहां पे आने के बाद हमें लगेगा कि बिल्कुल ही हम नई जगह पे आ गए हैं और शिमला से बहुत नज़दीक है ये चैडविक वाटरफॉल। यहां पर अगर आप टूरिस्ट आते हैं शिमला तो यहां बिल्कुल ही आप आइए। पहले चलते हैं उस वाले सेंटर पे, तो दोस्तों वहाँ चलने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पानी के छींटे भी आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। फाइनली आ ही गए हम लोग। वैसे पानी के छींटे पड़ रहे हैं, ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से उतरने वाले भी हैं। अब तो काफ़ी हम लोगों ने पिक्चर खिंचा ली है और लगभग मैं गीला भी हो चुका हूँ, ये देखो छींटे पड़ रहे हैं, चलो उतरो यार अब से, ये बैग वैग भी गीला हो रहा है।
रियली एंजॉयड। इस जगह की हिस्ट्री मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। चैडविक वाटरफॉल को चैडविक क्यों कहा जाता है? एक तो यहाँ पे ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था इस जगह पर, वाटरफॉल की इस जगह पर, ऊपर से शायद कूद गए थे वे, इसलिए इसका नाम चैडविक वाटरफॉल पड़ा। दूसरा, अगर देखें हम लोग जो गाँव वाले बोलते हैं पौराणिक कथाओं के ऊपर, तो इसका नाम है चिड़कू झार। चिड़कू मीन्स स्पैरो, गौरैया को बोलते हैं, चिड़िया का नाम है, और झार मतलब झरना, वाटर स्ट्रीम। तो क्योंकि ये जो वाटर स्ट्रीम जहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है, एंड दैट इज 100 मीटर अप फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ से काफ़ी ऊपर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे चिड़िया ही जा सकती है, स्पैरो गौरैया ही जा सकती है, हम ह्यूमंस जा नहीं सकते, इसलिए इसको चिड़कू झार, और जो कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तब से आज तक धीरे धीरे इसका नाम चैडविक पड़ गया। तो ये दो कहानियाँ हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ और चीज़ें दिखाएंगे आपको जो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए होगा, हम टूरिस्ट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। दोस्तों, शिमला से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर इतनी खूबसूरत और नेचुरल प्लेस है, हमें भी नहीं पता था, और काफ़ी एंजॉयबल जगह भी है। बट जब ये बना था, जब ये एक्टिव हुआ था प्लेस, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह जगह पे, जैसे कि यहाँ पर है, इनफैक्ट यहाँ पे बेंचेस भी लगी हुई है। तो ये देखिए जैसा कि है ना, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्लास्टिक की प्लास्टिक चारों ओर दिख रहा है, तो थोड़ा हमें अवेयर होना है। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन हमारा काम भी थोड़ा सा देखते रहें। देखिए पानी का बॉटल भी फेंका हुआ है इधर। तो दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से घर। वैसे अगर आप यहाँ पे आएँ तो लगभग 1/2 घंटे to 1 घंटे तो आपका इजीली यहाँ पे निकल सकता है। उसके अलावा भी अगर आप बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर जो भी लेकर आते हैं आप, रैपर्स और कुछ भी बॉटल्स प्लास्टिक की, वो सब वापस लेकर जाइए। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। साथी फ्रेंड्स, अगर आप शिमला में आ रहे हैं और वाटरफॉल देखना है बहुत नज़दीक शिमला में, तो आप चैडविक वाटरफॉल को जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूलिया कि शिमला में एक लौता वाटर स्ट्रीम है, झरना है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसका क्योंकि शिमला में इतनी रिवर्स वगैरह नहीं है, तो और झरने वगैरह तो है नहीं आसपास, तो इसीलिए यहाँ पे आप आइए और इसको जरूर एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।